पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ आरोप तय। जी हां, गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद यूपी के पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद पर प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने दो मुकदमों में आरोप तय कर दिए हैं। बाहुबली अतीक अहमद पर सितंबर 2015 में हुए दोहरी हत्याकांड और जुलाई 2016 में हुई हत्या में एक मामले में आरोप तय कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में कोर्ट ने एडीजीसी राजेश गुप्ता की दलीलें सुनने के बाद दोनों ही मामलों में अतीक अहमद के खिलाफ कई संगीन धाराओं में आरोप तय कर दिए। बता दें कि 2015 की रात मरियाडीह जा रही अलकमा और सुजीत को गोलों से छलनी कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पहले अतीक अहमद के विरोधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन बाद में पुलिस की जांच में मामला उल्टा निकला और अतीक अहमद के साथ उसके गैंग के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इस मामले में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सोमवार को जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई के बाद अतीक अहमद पर आरोप तय कर दिया। कोर्ट के अनुसार अतीक पर धारा 147, 148, 149, 302, 504 के साथ 120 बी धारा के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं।